माँ अन्नपूर्णा के स्वर्णमय दर्शनों की परंपरा सैकड़ों वर्ष आज की नहीं है, दो चार दिन की नहीं है, दो महीने की नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है। धन्वंतरी जयंती और देवोदास का आपस में एक संबंध है। धन्वंतरी जी के पुत्र थे देवोदास, और देवोदास के समय में ही दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल जिसको बोलते। उस अकाल को मिटाने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए धनंजय जो उनके पुरोहित थे, उन्होंने उन्हें आदेशित किया कि इस अकाल को समाप्त कैसे होगा। उन्होंने कहा माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही ये समाप्त हो सकता है, तो बोलो कि माँ अन्नपूर्णा को प्रकट करो, उनकी स्तुति करो, आराधना करो। उसमें धनंजय ने माँ अन्नपूर्णा का कामरूप में जाके 17 दिवसीय 17 वर्षीय व्रत किया, जो कि उन्होंने 17 दिन पूरा व्रत करने के उपरांत माँ के दर्शन नहीं हुए तो जिस स्थान पर, जिस तालाब में कि किनारे उन्होंने अनुष्ठान किया, वो उसी में डूब जाते हैं कि हम राजा को क्या बताएंगे जाके। तो जब पूछ जाते तो वहाँ जो माँ का दर्शन होता है, जो छवि यहाँ है, यही छवि के दर्शन माँ उनको देती है धनंजय, और धनंजय से कारण पूछती है। तो कारण उन्होंने बताया कि काशी में हमारे राजा देवदास के अकाल पड़ा है, आप वहाँ इस अकाल को मिटाएं, यही मेरी कामना है, हमें कोई वर नहीं चाहिए। तथास्तु कह के माँ ने कहा कि तुम चलो, मैं काशी में आती हूँ। ये कथा इसी परंपरा से जुड़ी हुई है। जो दर्शन माँ को धनंजय को दिए गए, वही हमारे पूर्वज महंतों ने माँ के 4 दिवस दर्शनों की व्यवस्था की, जिनमें 3 मूर्ति हैं स्वर्णमयी और बाबा विश्वनाथ चांदी के, जिनमें भूमि देवी हैं, लक्ष्मी जी हैं और अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा जी अन्न को देती हैं, लक्ष्मी जी धन को देती, अन्न से धन आता है और पृथ्वी का रूप, पृथ्वी में अन्न।